अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सॉरी मिस्टर चौहान, वी विल नॉट बी एबल टू गो अहेड विद योर न्यू ब्यूटी प्रोजेक्ट। क्या हुआ चंदा, परेशान क्यों हो? ये ट्रॉफीज देख रहे हैं सर, ये ट्रॉफीज इस बात की गवाह हैं कि हमारा देव कभी हारता नहीं, और आज पहली बार उसकी मेहनत बेकार गई है क्योंकि उस लड़की ने अपनी मनमानी की। आज पहली बार हमारा देव हारा है उस लड़की की वजह से, और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंदा, अब हो गई गलती उससे, माफ भी कर दो। और कितनी गलतियां माफ करें सा? आप जानते हैं, हनुमान की बेटी होने के नाते हमने उसके लिए अपना फैसला तक बदल दिया। अब वो है कि ये तुम्हारा बड़प्पन है चंदा, पर ना आज जो भी कुछ हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? उसके खाने की तो तारीफ ही हुई ना। बात खाना बनाने की नहीं है सा, बात इस घर के कायदे तोड़ने की है। और आपको पता है, हमारे बनाए गए कायदों से हम कभी समझौता नहीं करते। हमारे देव की हार की भरपाई उस लड़की को करनी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं। सॉरी आंटी। क्या सॉरी? शैतान बच्चे कहीं के। चलो सॉरी सॉरी, जय करो। एकदम प्यारे बच्चे, जाओ दर्शन ले लो, जाओ। देख के नहीं जा सकती? या मम्मी ने सिखाया नहीं कि दूसरों के घर पे ऐसे उछल कूद नहीं करते? बस अब ये गला फाड़ना बंद करो और चुपचाप अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरी तो मम्मा के पास जाना। बेटा सुनो सुनो, रुको। आप बात करिए, मेरे को आप नहीं रहना। एक और कन्या कहाँ है? हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ गई। देव, जब तक 9 की 9 कन्याएं नहीं आ जाती, हम ये विधि शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर चंद्रिका आंटी को पता चला कि बच्ची मेरी वजह से भागी, तो आज उस ड्राइवर की लड़की को जैसे निकाला है, कल को मुझे भी ना निकाल दे। ओह गॉड, प्लीज सेव मी। जब वो बच्ची यहाँ आई थी तो फिर वो गई कहाँ? आशा, अगर वो बच्ची यहाँ आई थी तो यहीं कहीं होगी। एक मिनट बेटा, आपके साथ जो आपकी फ्रेंड आई थी वो कहाँ है? अभी हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ गई। कोई नहीं, आप बैठो, मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। अगर वो लड़की मिल गई तो सबको बता देगी कि मैंने उसे डांटा था। मासा, कंजक का मुहूर्त निकलने से पहले मैं उस बच्ची को ढूंढ के ले आऊंगा। अरे ये तो अभी अभी खुश होकर कोठी के अंदर गई थी। अरे छोटी देवी मैया, क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? उस आंटी ने मेरे को डांटा और वो बहुत गंदी है, मेरे को यहाँ पर नहीं रहना। अच्छा, आज तो देवी का दिन है, अगर छोटी कन्या रूठ के चली गई तो कोठी पे कृपा नहीं बसेगी। अरे मारी छोटी देवी मैया, मारी 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 बात सुनिए, मारी बात सुनिए।
आपको पता है नवरात्रे में देवी माँ ने छोटी कन्या का रूप लेके बड़े से महिषासुर का वध किया था। अगर देवी मैया सजा देती है ना तो गलती करने वाले को माफ भी कर देती है, तो आज तो आप भी देवी माँ का छोटा रूप बनी है, तो जिसने आपको डांटा है अपने माफ करेंगी ना? ठीक है, माफ किया, मैं अंदर जरूर जाऊंगी, बट एक शर्त पर, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं नहीं देवी माँ, मैं अंदर नहीं आ सकती, आप जाइए ना। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। दोनों आ जाओ ना। सॉरी, मुझे नहीं पता आपको किसने रुलाया, पर आपके बेशकीमती आंसुओं के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और घर चलो। माफ तो मैंने दीदी के कहने पे ही कर दिया था, बट मैं दीदी के साथ ही अंदर जाऊंगी। ओके, चले चलो। नहीं नहीं देवी माँ, आप इनके साथ अंदर जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगी, है ना? ना। नहीं बसु, आज तुम्हारी वजह से मासा की कंजक पूजा होगी, इसलिए तुम्हें कंजक का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब चलो, इससे पहले तुम्हारी देवी हुकुम नाराज होकर बाहर आ जाए। चलो। छोटी देवी माँ, मैं यही रुकती हूँ, आप अंदर जाओ। अब वो देखो, वो देवी हुकुम है, वो थारी को बहुत सारा लाड करेंगी। आओ बेटा, अंदर आओ। मासा, आज अगर वसु नहीं होती तो ये बच्ची रोते रोते वापस चली जाती। बेटा, किसने तुम्हें रुलाया? मासा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कौन है? हेलो, हाय सर, I'm good. How are you? Yeah, I know. What? Oh, that's great. Good day to you too. Have a nice day. क्या बात है देव? पापा साहब, अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आह दादा! Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।